हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम फोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में पढ़ लिया था और इनके वर्गीकरण के बारे में भी हमने पढ़ लिया था और उससे आगे हमने भ्रंश की बात की थी और जिसमें हमने भ्रंश के प्रकार और भ्रंश द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति होती है उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था और आज के वीडियो में हम वलन के बारे में बात करने जा रहे हैं। वलन देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वलन क्या होता है। तो देखिए, दो चट्टानें होती हैं, जब दो चट्टानें, इन चट्टानों में आपस में एक दूसरे की ओर बल लगता है, ठीक है, एक दूसरे की ओर जब बल लगता है तब इन चट्टानों के बीच में कुछ मोड़ पड़ जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और इन मोड़ को ही हम कहते हैं वलन, ठीक है। जब दो चट्टानें आपस में सरकती हैं, आपस में इनके एक दूसरे की ओर जब बल लगता है तो इनके बीच में कुछ मोड़ पड़ जाते हैं और इस मोड़ को ही हम वलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अपने आप देख लीजिए, जैसे कोई पेपर होता है और उस पेपर को हम आपस में खिसकाते हैं, दो पेपर हमने लिए और उन दोनों पेपरों को हमने आपस में खिसकाया, एक दूसरे की ओर खिसकाया, तो उसमें क्या हुआ कि बीच बीच में कुछ सलवटें पड़ जाती हैं। जैसे ये दो पेपर के टुकड़े होते हैं और इनको जब हम आपस में एक दूसरे की ओर खिसकाते हैं तो इस प्रकार से सलवटें पड़ जाती हैं, ठीक है, और इन सलवटों में ये जो मोड़ पड़ जाते हैं उन मोड़ को ही वलन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वलन की बात। उसके आगे हम देखें कि जो वलन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो वलन मुख्य छह प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, और जिसमें हमारा पहला प्रकार का जो वलन है वह है सममित वलन। सममित वलन, देखिए हम सममित वलन किसे कहेंगे। तो देखिए, जब दो चट्टानें आपस में एक दूसरे की ओर बल लगाती है, एक दूसरे की ओर जब खिसकती है तो उनके बीच में मोड़ पड़ जाते हैं और वो मोड़ किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जिसमें हमारा पहला जो वलन पड़ता है वो है वलन सममित वलन। देखिए इसमें क्या होता है कि वलन की दोनों भुजाएँ समान रूप से झुकती है। वलन की एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, ये दोनों भुजाएँ हैं वो एक समान रूप से झुकी हुई है, ना तो ये भुजा ज़्यादा झुकी हुई है और ना ही ये कम झुकी हुई है, बल्कि दोनों भुजाएँ हैं, एक भुजा ये है एक भुजा ये है, ये दोनों भुजाएँ एक दूसरे के ऊपर समान रूप से झुकी हुई है। तो इस प्रकार से जब वलन पड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं सममित वलन। मतलब इसमें दोनों ये जो कोण हैं वो बराबर डिग्री के होते हैं, ठीक है। मतलब जब चट्टानें आपस में खिसकती है और उनमें जब मोड़ पड़ता है तो वलन पड़ता है, तो वलन की जो दोनों भुजाएं होती हैं वो दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हुई होती है, समान डिग्री के कोण यहाँ पे बन रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सममित वलन। दूसरा हमारा जो वलन है वो है असममित वलन। असममित वलन, देखिए असममित वलन की जो आकृति जब ऐसे बनती है, जब वलन की एक भुजा अधिक और एक भुजा कम झुकी हुई होती है, ठीक है। सममित में क्या होता है, वलन की दोनों भुजाएं बराबर झुकी होती है, ठीक है, और असममित वलन में एक भुजा अधिक और एक भुजा कम झुकी हुई होती है। इसमें देखिए इस प्रकार से आकृति बनती है, जैसे ये एक भुजा है, ठीक है, ये थोड़ी अधिक झुकी हुई होगी और एक भुजा है वो कम झुकी हुई होगी। इसमें ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है और इसका ये कोण है वो कम डिग्री का बन रहा है और ये कोण है अधिक डिग्री का बन रहा है। मतलब ये भुजा है जो अधिक झुकी हुई है और ये भुजा कम झुकी हुई है, मतलब इसमें जो दोनों भुजाएं हैं वो समान रूप से झुकी हुई नहीं होती है। ऐसी जब आकृति बनती है तो उसे हम कहेंगे असममित वलन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो तीसरा प्रकार का जो वलन है वो है एकदिग्नत वलन। एकदिग्नत वलन,
एक दिग्नत वलन। देखिए एक दिग्नत वलन में क्या होता है कि वलन की जो दोनों भुजाएं हैं वो ना तो बराबर झुकी हुई होती है, ना ही इसमें एक कम एक ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो एक भुजा है वो बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, एक भुजा है वो बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है और जो दूसरी भुजा है वो इसके ऊपर आश्रित रहती है। ये वलन की एक भुजा है और ये दूसरी भुजा है, ये पूरी 90 डिग्री का कोण बना रही है, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है और ये है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक दिग्नत वलन। जो वलन है वो केवल एक ही भुजा पर आधारित है, एक भुजा सीधी खड़ी हुई है और दूसरी भुजा इसके ऊपर आश्रित है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक दिग्नत वलन। ठीक है, इसमें क्या होता है एक भुजा सीधी खड़ी रहती है, एक भुजा सीधी वह दूसरी इस पर आश्रित रहती है या फिर इस पर झुकी हुई होती है। ठीक है, एक दिग्नत वलन में एक भुजा सीधी खड़ी रहती है, मतलब जो एक भुजा है बिल्कुल सीधी है 90 डिग्री का कोण बना रही है और दूसरी भुजा है इसके ऊपर आश्रित है, इसके ऊपर झुकी हुई है, इसको हम कहेंगे एक दिग्नत वलन। ठीक है, ये हमारे सममित वलन में क्या होता है जब वलन की दोनों भुजाएं बराबर झुकी हुई होती, इस प्रकार से बराबर झुकी हुई थी। ठीक है, और असममित वलन में जो एक भुजा अधिक थी और एक भुजा कम झुकी हुई थी। ठीक है, एक भुजा अधिक अधिक वह एक कम झुकी हुई थी। और एक दिग्नत वलन में क्या है, एक भुजा सीधी खड़ी है और दूसरी भुजा उसके ऊपर झुकी हुई है। उसके बाद हमारा चौथा प्रकार का जो वलन है वो है सममित वलन। सममित वलन, सममित वलन, देखिए सममित वलन की जो आकृति है वो इस प्रकार से बनती है। जैसे मान लीजिए वलन की जो एक भुजा है, इसमें क्या होता है कि वलन की जब दोनों जो भुजाएं हैं उनका जो झुकाव है एक ही तरफ होता है, वलन की दोनों भुजाओं का जो झुकाव है वो एक ही तरफ होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये एक भुजा है और ये इसकी दूसरी भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये एक भुजा है और ये दूसरी भुजा है, इसमें दोनों भुजाओं का जो झुकाव है वो एक ही तरफ है, मतलब इस तरफ है। ठीक है, ये वलन की एक भुजा है और ये है दूसरी भुजा, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई कोण नहीं बन रहा है, इसमें दोनों भुजाओं का जो झुकाव है वो एक ही तरफ है। दोनों भुजाओं का झुकाव एक ही ओर, ठीक है, जब दोनों वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव जब एक ही ओर होता है तो उसे हम कहते हैं सममित वलन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रकार का जो वलन है वो है परिवलन। परिवलन, और देखिए परिवलन में क्या होता है कि जब वलन की दोनों भुजाएं एक ही ओर झुकी हुई होती है और एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, एक ही ओर झुकी हुई होती है और एक दूसरे की ओर समानांतर हो जाती है, मतलब इसमें भी क्या होता है कि दोनों जो भुजाएं हैं वो उनका झुकाव एक ही ओर होता है, इनका दोनों भुजाओं का झुकाव दोनों भुजाओं का झुकाव एक ही तरफ, एक ही ओर, वह दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती है, दोनों भुजाएं समानांतर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी वलन की जो दोनों भुजाएं हैं वो दोनों भुजाएं एक ही ओर झुकी हुई होती है और उनका झुकाव इतना होता है कि दोनों भुजाएं आपस में समानांतर हो जाती हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रकार का जो वलन है वो है प्रतिवलन। प्रतिवलन, देखिए प्रतिवलन में क्या होता है, इसमें भी वलन की दोनों भुजाएं एक ही ओर झुकी हुई होती है और एक भुजा है दूसरी भुजा के ऊपर आश्रित हो जाती है। इसमें वलन की जो दोनों भुजाएं हैं एक ही ओर होती है, ठीक है, और इनका झुकाव भी इतना हो जाता है कि ये ऐसा लगता है कि ये एक भुजा है दूसरी भुजा के ऊपर आश्रित हो गई है।
ठीक है, इतना अधिक इनमें झुकाव हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे परिप्रतिवलन। ठीक है, मतलब एक भुजा है वो दूसरी भुजा के ऊपर चढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी दोनों भुजाओं का जो झुकाव एक ही और वह ऐसा लगता है कि दोनों एक भुजा है और दूसरी भुजा के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसे हम कहते हैं प्रतिवलन। ठीक है, तो हमने वलन के बारे में हमने पढ़ लिया है। मुख्य रूप से वलन 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है सममित वलन, जिसमें वलन की जो दोनों भुजाएँ हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, दोनों कोण बराबर बनते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं सममित वलन। और अगला हमारा है असममित वलन। असममित वलन में एक भुजा अधिक झुकी होती है और एक भुजा कम झुकी हुई होती है। ठीक है, इसमें दोनों भुजाएं बराबर नहीं झुकी हुई होती है। अगला हमारा है एकदिग्नत वलन। तो एकदिग्नत वलन में क्या होता है कि इसमें एक भुजा बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है और दूसरी भुजा उसके ऊपर आश्रित है, उसे हम कहते हैं एकदिग्नत वलन। और फिर है सममित वलन। तो सममित वलन में दोनों भुजाओं का झुकाव एक ही तरफ होता है। और परिवलन, तो परिवलन में भी दोनों भुजाओं का झुकाव एक ही ओर होता है, लेकिन दोनों भुजाएं समानांतर हो जाती है, मतलब इनका झुकाव थोड़ा अधिक होता है, मतलब दोनों भुजाएं ऐसा लगता है कि दोनों भुजाएं बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में हैं। उसके बाद हमारा है प्रतिवलन। तो प्रतिवलन में भी दोनों भुजाओं का जो झुकाव है एक ही ओर होता है, लेकिन एक ऐसा इनका झुकाव इतना अधिक होता है कि ऐसा लगता है कि एक भुजा है उसके ऊपर दूसरी भुजा चढ़ गई है, मतलब ये भुजा नीचे वाली भुजा है, इसके ऊपर दूसरी भुजा चढ़ जाती है, इस प्रकार से इतना अधिक झुकाव होता है, उसे हम कहते हैं प्रतिवलन। तो आज की वीडियो में हमने वलन के बारे में पढ़ा है और इसी के साथ हमारा ये फोर्सेज का जो टॉपिक था वो यहीं समाप्त हो गया। और अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।